थानाकटघर अंतर्गत बलदेवपुरी निवासी बबलू की पुत्री प्रीति ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ एक शिकायती पत्र सौंपकर अपनी चाची पर अपने भाई और फूफा को गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाया है। प्रीति ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के शिकायती पत्र सौंपकर इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। परिवार में कभी उसकी चाची राजमाला से कहा सुनी हो गई थी तो परिवार ने आपस में बैठाकर फैसला करा दिया, लेकिन चाची राजमाला ने पुलिस में छेड़छाड़ व बलात्कार का मामला प्रीति के भाई पर दर्ज करा दिया, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए प्रीति के भाई को 376 डी के तहत जेल भेज दिया। और अब चाची राजमाला हम लोगों से पूरी संपत्ति उसके नाम करने की बात कह रही है, नहीं तो अंजाम भुगतने की धमकी दे रही है। इसलिए शिकायती पत्र के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की गुहार लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। मेरे भाई को झूठे आरोप में फंसाया गया 376 डी में, और मेरे फूफा जी ने चाची जी ने फंसाया है। उनका आपसी झगड़ा होता था और उन्होंने मेरे भाई पे और मेरे फूफा पे झूठा आरोप लगाया 376 डी का 1 फरवरी 2022 को और 1 सितंबर को उन्हें जेल भेज दिया गया है। किसने आरोप लगाया? चाची जी ने। क्यों? लड़ाई झगड़ा आपस में करते थे, लेकिन मेरे भाई पे आरोप लगाया और फूफा जी पे। शायद हमारे घर मकान संपत्ति चाहती है वो। तो आपने शिकायत की थी पहले कभी इसकी पुलिस में? शिकायत की थी हमने एसपी सर के पास, पहले भी एक एप्लीकेशन लगाई 2019 में, वो हमें झूठे आरोप में फंसा दूंगे तो धमकियाँ भी देते रहती थी। हमने कई बार एप्लीकेशन लगाई और हमने अपना पहले हम गुलाबबाड़ी रहते थे, 3 साल पहले हमने घर छोड़ के बलदेवपुरी में रहने लगे हैं। और जो 2.5 लाख वाले आवास योजना से आए थे ना, उसी से हमारा घर बना था, वहाँ पर वहीं पर रह रहे हैं। और ये घटना 2022 की, लेकिन भाई हमारा खानी झगड़ा हुआ था हमारी बुआ से, जिसमें उन्होंने हमारे फूफा का नाम चौकी पर लिखवाया था, खाली फूफा का नाम लिया था, उसमें समझौता भी हुआ था। तो उन्होंने 4 दिन बाद हमारे भाई के ऊपर भी आरोप लगाना शुरू कर दिए। उसके बाद से अब आया है 4 अगस्त को FIR आई थी और हमें पता नहीं, कोई नोटिस नहीं मिला ना कुछ मिला। और अब हमें 1 सितंबर को हमारे घर 4 पुलिस वाले आए थे, उन्होंने बोला है कि तुम्हारी चाची ने कोई संबंध भेजा है, यहाँ आ जाओ थाने में। तो हम थाने में चले गए और अमन और अपना मेघराज फूफा का नाम है उनको भी लेकर चले गए। तो उन्होंने बोला कि राजमाला ने तो यहाँ पर शिकायत कर दी, एक बार तुम भी कर दो। हम अंदर लेके गए और वहाँ पे इंस्पेक्टर सर बैठे थे, उनके पास लेके गए। उन्होंने पूछा कि ये गलत है क्या, उन्होंने नीरज पाल जी ने बोल दिया कि हाँ ये गलत है, लेकिन जबकि वो जानते हैं कि वो लेडीज़ कैसी है। क्या चाहती हो आप? सर हमारे भाई को इंसाफ दो और 1 सितंबर से वो जेल में बंद है, उन्हें बाहर निकालो, हमें इंसाफ दो सर, उनकी जाँच कराओ। कप्तान साहब से मिल रहे हैं आप, उन्होंने क्या कहा? कप्तान सर नहीं, 4-5 दिन बाद मिलेंगे। और हम 4 दिन से हम रोज आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमें मिल नहीं रहे हैं सर। हम उनके बंगलों पर भी गए थे, वहाँ पर भी नहीं मिले।